वेलकम बैक बच्चों, आज की राइम है बिट्स ऑफ पेपर। अरे अरे, ये कूड़ा किसने फैला दिया है? देखो, इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। चलो चलो, जल्दी से इसे उठा के डस्टबिन में डालते हैं। तो देखा बच्चों, कैसे हमने कूड़े पड़े हुए को डस्टबिन में डाल दिया। आप लोग भी अपने घर में यही करते हैं ना? तो चलिए हम एक राइम करते हैं और देखते हैं कि हमें कूड़ा करकट कहाँ फेंकना चाहिए। बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर, लाइंग ऑन द फ्लोर, मेक द प्लेस अनटाइडी, मेक द प्लेस अनटाइडी, पिक देम अप, पिक देम अप। बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर, कागज के टुकड़े जमीन पर पड़े हुए हैं। मेक द प्लेस अनटाइडी, और जो कि आसपास की जगह खराब कर रहे हैं और बहुत ही गंदे लग रहे हैं। पिक देम अप, तो इन टुकड़ों को हमें उठा लेना चाहिए और उठाकर डस्टबिन में फेंकना चाहिए। अपने आसपास डस्टबिन देखिए और जो भी कागज के टुकड़े हैं उन्हें डस्टबिन के अंदर डाल दीजिए। चलिए एक बार और करते हैं। बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर, लाइंग ऑन द फ्लोर, मेक्स द प्लेस अनटाइडी, मेक द प्लेस अनटाइडी, पिक देम अप, पिक देम अप। सो ये देखिए, ये बच्ची क्या कर रही है? आपको नजर आ रहा है ना कि ये बच्ची झाड़ू लगाकर इन कूड़े को कूड़ा उठाने वाले में रखेगी और उसके बाद डस्टबिन में डाल देगी। ये देखिए कितनी गुड गर्ल है ये। आप भी अपने आप आसपास की सफाई का ध्यान रखते हैं ना, और इस बच्ची की तरह अच्छे बच्चे बन जाते हैं। चलिए, बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर, लाइंग ऑन द फ्लोर, मेक्स द प्लेस अनटाइडी, मेक्स द प्लेस अनटाइडी, पिक देम अप, पिक देम अप। तो बच्चों, आपको ये पोयम अच्छे से याद करनी है और अपनी टीचर और पेरेंट्स को सुनानी है। थैंक यू।